हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे चले जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे टिमकेन इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो ये शेयर अभी आपका चला लगभग 1957.60 पकड़ लीजिए, ओके। और ये शेयर आज आपका हाई गया था 1972, लो गया था 1866। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 14,667.65 करोड़, और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 32.69 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.02। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, या पे एक से बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर। और कंपनी के पास अभी आपका कैश है 174.21 करोड़। मतलब कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 32-33 करोड़ का जो डेप्थ है उसको चुका सकता है, उसके बाद उतना सफिशियंट कैश है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.36। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, या पे एक से ज्यादा ही है। अर्निंग पर शेयर है 30 रुपीज, और प्रमोटर्स का होल्डिंग इस कंपनी में है आपका 67.8%। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, या पे 40% से ज्यादा है। और एक अच्छा बात है कि ये जो 67.8% है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, तो फंडामेंटली ये एक अच्छा शेयर है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे। पहले क्या करेंगे, हर बार की तरह बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि कोई भी शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो अभी ध्यान से देखिए, ये शेयर इसी साल मतलब 2021 में मई महीने में चल रहा था लगभग 1238, और अभी बढ़ के हुआ है आपका 1950-60 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे हम लोगों के अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिए, अभी हम लोग इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में चले आए। यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे ये आपका था 28 अक्टूबर, ये आपके सुपर ट्रेंड ने आपका बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर थोड़ा बहुत ऊपर गया। लेकिन आज के डेट में इसका जो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल था, देखिए मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का एक लाइन ड्रॉ किया, ये इसका एक रेसिस्टेंट लेवल है। इस रेसिस्टेंट लेवल को तोड़ के एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करके अभी ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक अच्छा बात है। और आज के डेट में ये शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ये आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। और RSI भी देखिए आपका अबव 60 है, और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, और लास्ट जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो भी आपका ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल। मतलब डेली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली ये शेयर पॉजिटिव दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये शेयर पिछले साल मतलब 2020 मार्च महीने में चल रहा था लगभग 760 के करीब, तब से शेयर वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। तो देखिएगा इस जगह पे मतलब ये अगस्त महीने पे यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया, और जिस कैंडल पे बाय सिग्नल दिया वो बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल था, ठीक है। तब से ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और इस वीक में और भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है, और आज के डेट में वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। RSI भी देखिए अबव 60, और MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, और लास्ट जो कैंडल है वो आपका ग्रीन कैंडल है। मतलब वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। अगर ध्यान से देखिएगा पिछले साल अगस्त का महीने में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था, उसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, तब से ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार 6 महीने से ये शेयर उसका जो पिछले महीने का जो क्लोजिंग है, जो कैंडल है उसके ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। मतलब हर लास्ट 6 महीने से पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करते हुए जा रहा है, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी देखिए RSI भी आपका अबव 60, और MACD देखिए MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है, और लगातार यहाँ पे आपको आप लोगों को ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेगा।
तो मेरे हिसाब से एक अंडर एसीआर आपका, सॉरी एसीआर आपका डेली वीकली एंड मंथली तीनों चार्ट में हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है और इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो इसका जब कारण मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 1956 पकड़ लीजिए, इसी प्राइस में अगर इस शेयर को खरीदा जाए तो एसीआर लगभग 3 महीना के अंदर आपका 2250 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। धन्यवाद।